उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। टनल में फंसे मजदूरों और रेस्क्यू टीम की दूरी महज अब 6 मीटर की रह गई है, यानी 12 मीटर की जो दूरी थी उसको आधा 6 मीटर की दूरी अब मजदूरों से बची है, तो जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो सकता है। उत्तरकाशी सुरंग से जुड़ी मजदूरों से बचाव कर्मी अब सिर्फ 6 मीटर दूर है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान दरअसल एक राहत पहुंचाने वाला, जिसमें अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन, सुबह से 12 मीटर की दूरी, मशीन का खराब होना, 7 इंजीनियर्स का दिल्ली से यहां पहुंचना और उसके बाद उस मशीन को ठीक करके एक बार फिर से तेज रफ्तार के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना, और अब दूरी बची है मजदूरों के साथ, मजदूर और रेस्क्यू टीम के बीच 6 मीटर की। जल्द ही ये दूरी भी तय करी जाएगी और मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी तैयारी, और उसके बाद का ऑपरेशन क्या होगा, किस तरह पाइप में स्ट्रेचर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और धीरे से वहां पर एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अगर किसी की तबीयत वहां खराब हुई तो उसको एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा। बेड अस्पतालों में 41 तैयार करवा दिए गए हैं, यानी बात की तैयारी भी है। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री वहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही जल्द वो इस कामयाबी की खबर सुनेंगे। मजदूरों से बचाव कर्मी अब सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि 12 दिन की ये जंग है और वो भी जिंदगी की जंग लोगों ने लड़ी है, वहां मौजूद मजदूरों ने लड़ी है, और एक जंग वहां मौजूद लोग लड़ते हुए नजर आए और एक जंग उनका परिवार भी लड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है और उम्मीद बढ़ती गई जैसे जैसे दिन बढ़ते गए। और उसके बाद अब जब राहत की खबर आ रही कि बस 6 मीटर की दूरी बची है, तो परिवार वाले भी राहत की सांस ले रहे हैं। कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन मजदूरों के जो अंदर टनल में फंसे हुए हैं। सबसे पहले चमेली जी का रुख कर लेते हैं, उनके पति इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं, रमेश कुमार। चमेली जी, जरा ये बताइए कि किस तरह वहां पर आपको सब चीजें बताई गई, अब आपकी कितनी उम्मीद बनी है कितनी जल्द वो बाहर आ जाएंगे? चमेली देवी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैम, बोलिए मैम। आपके पति वहां पर फंसे हुए हैं, अब कितनी उम्मीद, क्योंकि अब तो 6 मीटर की दूरी बस बची है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मेरे पति वहां से निकल जाए, 4141 जान निकल जाए वहां सुरक्षित से। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपने पूरे जो देश के लोग लगे हुए हैं उन लोग से भी प्रार्थना। चमेली देवी जी, आपकी जी बात मैम, हो पाई थी, आप वो तस्वीरें जो वीडियो सामने आया था उसमें आपके आपने अपने पति को देखा था, वो ठीक है? हमसे बात नहीं हुई है मैम, मेरा घर का एक देवर वहां गए हैं, उनसे बात हुई है। ठीक है, आप हौसला रखिए, इतने दिन हम एक रेस्क्यू चला और सबने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अब तो वो कुछ ही घंटे का इंतजार कह लीजिए चमेली देवी, उसके बाद जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं वो बाहर जो है वो निकल के आएंगे। लेकिन आप जिस तरह ये पूरी स्थिति थी, कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आपके पति का वहां फंसा होना, एक के बाद एक बस दिन बढ़ते जा रहे थे, 12 दिन का समय लग गया, तो ये समय आपका कैसे कैसे आपका कटा, क्या आप तक सारी जानकारी सही ढंग से पहुंच पा रही थी, कितनी मुश्किलों से गुजरी हैं आप? मैम कैसे कटा, हम लोग खुद जान रहे हैं मैम, कभी सही से हम लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, ना रात दिन नींद आ रही है सर मैम, इतना हम लोग बाल बच्चे सब परेशान है मैम। मेरे घर में एक कमाने वाले थे और हम लोग 4 खाने वाले थे, बहुत चिंतित है मैम।
नहीं, हौसला रखिए शर्मिली जी, अब तो देखिए समय ही बस 6 मीटर की दूरी है, अब तो वो घड़ी पास आने वाली है, तो अब आपके हौसले और इसी की वजह से आज शायद ये दुआओं की वजह से ही ये मजदूर जो हैं, उम्मीद हमारी बढ़ी है कि वो जल्द से जल्द निकल आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने वीडियो, आप कह रही हैं आपने नहीं देखा, आपकी बात नहीं हो पाई आपके पति से, जानकारी कैसे मिल पा रही थी कि फिलहाल क्या हो रहा है वहां पर? मैम, जानकारी तो ऐसे भी तो हम लोग यहाँ टीवी भी देख रहे हैं, कोई बताते हैं, और उधर से मेरा देवर वहां पहुंचे हुए हैं मैम, उन्हीं से कुछ जानकारी मिलती है, वही बताते हैं, उसी को हम लोग सुन करके तो अभी आपकी और आखिरी रह रहे बात हैं। कब हुई है आपके देवर से, क्या बता रहे हैं वो? आखिरी बात सुबह हुई है मैम, जी वो बोले कि आज निकल जाएंगे, हम्म, पर अभी तक हम लोग इंतजार की घड़ी में बैठे हुए हैं, फिर अभी फोन नहीं आया है मैम। सुबह में बात नहीं हुई है उनसे, देवर बताएं कि हमसे बात सुबह में नहीं हुई है, वहां जाने नहीं उन्होंने दे ये रहा बताया है। कि आपके पति से देवर ने बात की है, वो ठीक है, ये जानकारी आप तक पहुंची थी? हाँ, जानकारी पहुंची थी मैम। ठीक है।